हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखेंगे इस लेक्चर में, ठीक है। तो इस वीडियो में आज आप देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंप्लीफिकेशंस। अभी बहुत सारे पैटर्न बचे हुए हैं तो वो भी मैं करवाऊंगा, लेकिन आपका आरआरबी का एग्ज़ाम अभी है जो बैंक का अपकमिंग एग्ज़ाम्स है, तो उसके लिए मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पर ली हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बैंक में 5 नंबर की आती ही है, प्री में और मेंस में, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम इसे स्टार्ट करते हैं। देखो, हम लोगों ने यहाँ पर लिखे हुए हैं कुछ क्वेश्चन। यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 144 इज इक्वल टू 0। सेकेंड दिया है वाई स्क्वायर माइनस 26y प्लस 169 0। करने का तरीका बड़ा आसान होता है, इसे ज़रा ध्यान से देखो। अब एग्जाम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आपको ऑप्शन टिक करने होते हैं, आपको ऑप्शन टिक करने होते हैं। ऑप्शन आप किस पर टिक करेंगे? एक आपको दे के रखेगा वो एक्स ग्रेटर देन वाई, एक दे के रखेगा एक्स लेस देन वाई। ये ऑप्शंस दिए रहते हैं एक्स लेस देन वाई, ठीक है। फिर एक दिया रहता है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, फिर एक दिया रहता है आपको एक्स लेस देन इक्वल टू वाई, फिर एक दिया रहता है एक्स इज इक्वल टू वाई, या फिर इसी ऑप्शन को हम लोग सी एंड डी के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। इसी ऑप्शन को हम लोग क्या करते हैं, नो रिलेशन के नाम से भी जानते हैं, यानी कि कोई रिलेशन जब नहीं बनता है तब हम लोग इसको क्या बोल देते हैं, x इज इक्वल टू, या तो x इक्वल टू वाई बन जाएगा, ठीक है, या फिर क्या बनेगा सी एंड डी। इसको मैं लिख देता हूं नो रिलेशन, यहां लिख देता हूं मैं नो रिलेशन मैंने ये लिख दिया यहां पर, ठीक है। अब इसको देखो जरा यहां पर, अब हम लोगों को x भी निकालना है, हम लोगों को y भी निकाल कर देखना है। इसका तरीका देखो, जल्दी निकालने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले आपने देखा एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 144 दिया हुआ है मुझे यहां पर, ठीक है। अब आप यहां पर करोगे क्या, मुझे सिर्फ इस चीज इसके ऊपर ध्यान देना है। कितना दे के रखा है, माइनस का 24x दे के रखा है। ऐसी दो संख्याएं बताओ जिन्हें जोड़ने पर 24 आ जाए और उनका गुणा करने पर 144 आ जाए, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर क्या करता हूँ, मैंने लिख दिया 12 और यहाँ पर भी लिख दिया 12। जब 12 और 12 को जोड़ूंगा तो 24 होगा, लेकिन मुझे क्या लाना है, माइनस का। तो माइनस का 12 और माइनस के 12 को जब मैं जोड़ूंगा तो माइनस का 24 आ जाएगा, ठीक है। और माइनस का 12 का गुणा मैं करूंगा माइनस के 12 में, तो माइनस माइनस गुणा करते समय प्लस हो जाता है, तो 12 का गुणा कर दूंगा 12 में तो आ जाएगा 144। बस इतनी चीज जब आपको समझ में आ गई है तो अब बहुत आसान हो गया है खेल पूरा। माइनस का 12 और माइनस का 12, अब क्या करोगे सेकेंड स्टेज में, सेकेंड स्टेप में क्या करोगे, इसके साइन को चेंज कर दोगे। तो माइनस का 12 है तो आप क्या कर दोगे, प्लस का 12 लिख दोगे। ये माइनस का 12 है तो क्या लिख दोगे, प्लस का 12 लिख दोगे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो इसे, फिर क्या दिया हुआ है, वाई का स्क्वायर माइनस 26y प्लस 169। मुझे पता है माइनस का 26 दे के रखा है, तो माइनस के 26 को मैं कैसे लाऊंगा। मुझे पता है कि यदि मैं 13 लिख दूंगा और यहाँ पर 13 लिख दूंगा तो 13 और 13 26, लेकिन माइनस का चाहिए मुझे, तो माइनस का 13 और माइनस का 13 माइनस का 26 जोड़ूंगा, तो माइनस का 26 और माइनस 13 का गुणा कर दूंगा यदि माइनस के 13 में, तो क्या आ जाएगा, एक 169। फिर से देख लो, माइनस का 13 प्लस माइनस का 13 ये बन जाएगा माइनस का 26, और माइनस का 13 गुणा कर दूंगा मैं माइनस के 13 में तो बन जाएगा 169। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब कुछ भी नहीं करना, हमें साइन चेंज करना है। तो प्लस का 13 हो जाएगा और ये वाला भी क्या हो जाएगा, प्लस का 13 हो जाएगा, ठीक है। अब कंपेयर कर लो, मुझे यहाँ पर एक्स की दो वैल्यू मिली है, एक्स की दो वैल्यू, एक मिली है 12, दूसरी भी 12। मुझे यहाँ पर वाई की दो वैल्यू मिली है, एक मिली है 13, दूसरी भी क्या मिली है 13। जब मैं इसे कंपेयर करूंगा इस वाले y, इस वाली वैल्यू को इन दोनों से कंपेयर करूंगा, तो यहां पर आप ध्यान से देखो, जब इस वाली 12 को मैं इन दोनों से कंपेयर करूंगा तो मुझे पता है यहां पर क्या हो गया, y बड़ा हो गया पहली बार में। दूसरा, इस 12 को मैं कंपेयर करूंगा, तुलना करूंगा इन दोनों 13 से, तो भी कौन बड़ा है, y बड़ा है। इसका मतलब आपका आंसर आ जाएगा x लेस देन y, यानी कि y बड़ा है किससे, x से, ठीक है। चलो, पहला क्वेश्चन हो गया हमारा क्लियर, अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 36 दे के रखा है, ध्यान दो इसके ऊपर, प्लस का है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मुझे 12 दे के रखा है, मुझे पता है 6 और 6 जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा 12, और 6 और 6 का गुणा कर दूंगा तो आ जाएगा कितना, 36। अब क्या करना है, इसका साइन चेंज कर दिया करो, प्लस का 6 दे के रखा है, ये भी प्लस का 6, तो माइनस का 6 और माइनस का 6 कर दूंगा मैं यहाँ पर, ठीक है।
तो यानी कि x की मेरे पास दो वैल्यू आ गई हैं, एक पहली माइनस का 6, दूसरी भी हो गई माइनस का 6। अब ध्यान से देखो, y स्क्वायर प्लस 19y प्लस 84, क्या करूँगा मैं, 19 दे के रखा है मुझे, 19 पे यानी कि ये हो जाएगा 12, ठीक है। अगर मैं 12 और 7 को लिखता हूँ तो 12 और 7 को लिखूंगा तो 19 आ जाएगा, और 12 का गुणा कर दूंगा 7 में तो कितना आ जाएगा, 84 आ जाएगा, 84। प्लस में दिया है तो प्लस और प्लस लिख दूंगा, फिर इसके साइन को चेंज कर दो तो माइनस का 12 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा माइनस का 7 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि वाई की मेरे पास में दो वैल्यू आ गई है, ठीक है, मैं इसे पास में लिख देता हूँ ताकि इसे कंपेयर करना आसानी हो जाएगी। तो वाई की मेरे पास कितनी वैल्यू है, दो है, एक हो गई माइनस का 12 और एक हो गई माइनस का 7। अब कंपेयर मुझे करना है तो माइनस का 6 माइनस का 6, बचपन में हम लोगों ने नंबर लाइन पढ़ी थी, नंबर लाइन पढ़ी थी, ये होता है 0, ये होता है 1, 2 और ये हो जाएगा 3, इस तरह से हम जाते जाएंगे आगे, ये वाला होता है माइनस का 1, ये वाला माइनस का 2, ये वाला माइनस का 3, इस तरह से जाता जाऊंगा। 0 के जितना करीब होगी माइनस की संख्या, यानी कि माइनस में संख्या 0 के जितने करीब होगी उतनी ही बड़ी कहलाती है। अगर मैं आपसे बात करूं माइनस का 1 बड़ा होगा या माइनस का 2 बड़ा होगा, तो आप कहोगे माइनस का 1 बड़ा होगा, क्यों, क्योंकि 0 के उतने ही करीब है, 0 के जितने करीब होती है उतनी ही बड़ी संख्या मानी जाती है, इस बात को ध्यान रखोगे आप, ठीक है। चलो, अब जब इतनी बात आपको समझ में आ गई है तो इस माइनस के 6 का कंपेयर मैं इन दोनों से करता हूं, तो माइनस का 6 को देखूंगा तो माइनस के 12 से भी बड़ा है और माइनस के 7 से भी बड़ा है। माइनस में संख्या जितनी छोटी होगी उतनी ही बड़ी होती है वो, ठीक है। तो दोनों से बड़ा हो गया, इसका मतलब x अभी जो है वो बड़ा हो गया है किससे, y से। लेकिन मुझे अभी एक और चीज़ कंपेयर करना है, इस माइनस 6 का कंपेयर करूँगा दोनों से तो भी अपने पास x क्या आ जाएगा, बड़ा आएगा। इसका मतलब x बड़ा है किससे, y से। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर ये था, ये दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर ये मिल गया मुझे। तीसरे वाले क्वेश्चन को देखते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसे देखना। मैं इसके आपको सारे पैटर्न करवाऊंगा, टफ से टफ लेवल के मैं आपको पैटर्न करवा दूंगा पूरे, ठीक है, ताकि आपका जो भी अपकमिंग बैंकिंग एग्जाम्स हैं उसमें आपको बिल्कुल 100% यानी कि 5 में से 5 नंबर ही मिलेंगे आपको, ठीक है। देखो क्या दिया है, 2x² + 9x + 9। अब इसको ध्यान से देखो, अभी तक एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ भी नहीं था, यहाँ पे भी x के स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ x स्क्वायर के बगल में 2 दे के रखा है। तो जब भी x स्क्वायर के बगल में या y स्क्वायर के बगल में कुछ दे के रखे तो इसका गुणा कर दिया करो इसमें। जैसे ही मैं इसका गुणा इसमें करूँगा तो मुझे पता है कितना आ जाएगा, 18 आ चुका है, कितना आ गया है, 18। अब वही काम हमें यहाँ पर करना है, 9 दे के रखा है, इस 9 को ज़रा ध्यान से देखो, इस 9 को ध्यान से देखो, हमने इन दोनों का गुणा कर दिया, आ गया 18, मुझे लेकर आना है 18। तो मुझे ऐसा क्या करना है कि जोड़ने पर 9 भी आ जाए और गुणा करने पर 18 भी आ जाए, तो कुछ नहीं है भाई, 6 और 3 लिख दूंगा। अब देखो 6 3 9, 6 3 18, +6 + 3, साइन को चेंज कर दूंगा फिर मैं, -6 - 3। यानी कि अगर मैं ध्यान से देखूं तो x की मेरे पास दो वैल्यू आ गई हैं, एक आ गई माइनस का 6 आ गई है और दूसरी आ गई मेरे पास में माइनस का 3 आ गई है। y को निकाल लूंगा, फिर y स्क्वायर के बगल में कुछ दिया है तो इन दोनों का सबसे पहले गुणा कर दो, 5 चौक कितना हो गया, ये हो जाएगा भाई 20 हो चुका है अपना, ठीक है 20 हो गया। फिर बीच में क्या दिया है, 9 दिया है। अब मुझे ऐसा कुछ करना है कि जोड़ने पर 9 बन जाए और गुणा करने पर 20 बन जाए, तो बहुत आसान है, 5 और 4 लिख दूंगा, जोड़ूंगा तो 9, गुणा करने पर 20। साइन प्लस का है तो प्लस और प्लस लिख दो पहले, फिर साइन को बदल दो दोनों के, यानी कि दोनों के साइन को चेंज कर दो, प्लस में दिया है तो माइनस, माइनस में दिया है तो प्लस, माइनस का क्या हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा माइनस का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी कि वाई की मेरे पास में दो संख्या आ चुकी हैं, एक आई है माइनस का 5, एक आई है माइनस का 4। मैं कंपेयर करूंगा सबसे पहले किससे, एक्स से वाई को कंपेयर कर लिया करो। माइनस का 6, अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये जो माइनस का 6, ये माइनस का 6 क्या हो गया, या फिर ऐसा कर लो कि आप सबसे पहले क्या करो, वाई से इसको कंपेयर कर लो, एक्स से लगे या y से लगे, जिससे भी लगे आपको उससे आप कंपेयर कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर मैं ध्यान से देखो, x दिया है माइनस का 6, संख्या जितनी बड़ी होती है माइनस में उतनी ही संख्या जितनी बड़ी होती है माइनस में, यानी कि जैसे माइनस का 6, माइनस का 5, माइनस का 4, सबसे बड़ा कौन है, माइनस का 4 है। जीरो के बगल में जितनी बड़ी, जीरो के बगल में जितनी संख्या होगी उतनी ही बड़ी होगी वो, ठीक है। तो देखो कंपेयर कर लो इसे,
तो माइनस का 6 से मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा तो माइनस का 5 बड़ा है किससे, माइनस के 6 से। माइनस का 4 बड़ा है किससे, इस वाले से। इसका मतलब पहली बार कंपेयर करने पर तो y बड़ा हो गया, दूसरी बार माइनस का 3 यदि मैं ध्यान से देखूं तो माइनस का 3 बड़ा है किससे, इससे भी बड़ा है और इससे भी बड़ा है। अब ये वाला भी बड़ा है। अब दिक्कत क्या होती है इस तरह के क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में दिक्कत ही होती है, एक बार कह रहा है वाई बड़ा है, एक बार कह रहा हूँ मैं एक्स बड़ा है। तो जब इस तरह के रिलेशन आते हैं कि एक्स भी कह रहा है वो बड़ा है, वाई भी कह रहा है वो बड़ा है, तो ऐसे में रिलेशन एग्जिस्ट नहीं होता। पाँचवें नंबर का ऑप्शन आपको टिक करके आना है, ऐसे में ध्यान रखना। तो ये पाँचवा ऑप्शन हो गया अपने पास आंसर, जिसका कोई भी रिलेशन यहाँ नहीं बन पाएगा। आ गया समझ में इतना? और क्वेश्चन को देखो, पहले इतनी चीज़ों को नोट कर सकते हो आप। चलो भाई, अब इन सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। अब इन सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने की कोशिश करो, जो भी मैंने इक्वेशन लिखी हुई है, ठीक है। वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। पांच ऑप्शन वो दिए रहेंगे आपको एग्जाम में, ठीक है। देखो भाई, फर्स्ट क्वेश्चन को देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 दे के रखा है, कुछ भी नहीं करना। यहाँ पर माइनस के साथ को देखो, माइनस के साथ को जब मैं जैसे ही देखूंगा तो बताओ कौन सी दो संख्या है जिन्हें जोड़ने पर सात, जिन्हें जोड़ने पर माइनस सात आ जाए और गुणा करने पर 12 आ जाए। तो बहुत सिंपल है, माइनस का 4 और माइनस का 3। जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो माइनस सात बन जाएगा, दोनों का गुणा करूंगा तो माइनस माइनस प्लस और 4 * 12 बन जाएगा। इसका मतलब, अच्छा इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, साइन को बदल देते हैं, तो प्लस का 4 हो जाएगा और यहाँ पे प्लस का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी कि एक्स की आपके पास दो संख्या आ चुकी है, प्लस का 4 और प्लस का क्या आ गया आपके पास, 3 आ गया है, ठीक है। इसके बाद देखो, अब यहाँ पे देखो वाई स्क्वायर के बगल में या एक्स स्क्वायर के बगल में कुछ लिखा रहे तो इसका गुणा कर दिया करो आगे वाली संख्या में, सबसे आखिरी वाली में। तो 44 दूनी कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। यहाँ पर इस बात को ध्यान रखो। अब माइनस का 19 को इस तरह से तोड़ो कि जोड़ने पर माइनस 19 बन जाए और गुणा करने पर 88 बन जाए। तो मुझे पता है भाई, 11 माइनस का 11 और माइनस का कितना हो जाएगा, 8। माइनस का 11 माइनस का 8 माइनस का 19 बन जाएगा, गुणा करने पर माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि प्लस में देके रखा है, 44 दूनी 88 प्लस का है, यहाँ भी प्लस साइन, यहाँ भी प्लस देके रखा है, तो माइनस माइनस से प्लस हो गया, 11 8 88 हो गया। यानी कि अगर मैं ध्यान से देखूँ तो y की मेरे पास दो संख्या आ रही है, हम इसे साइन चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 11 और ये क्या हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा। मैंने कहा है जैसे ही आपके पास रूट निकले, जैसे ही आपका रूट निकले साइन बदल दिया करो उसके, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, इसके बाद हम लोगों को करना क्या होता है, यहाँ मैंने लिखा वाई, तो वाई की संख्या प्लस का 11 आ गया और प्लस का क्या आ गया, 8 आ गया। कंपेयर कर लो, यदि मैं सबसे पहले इस प्लस 4 से इन दोनों को कंपेयर करूंगा, मैं प्लस 4 से करूंगा तो 11 बड़ा है, 8 भी बड़ा है, यानी कि वाई अभी तो फिलहाल के लिए बड़ा है। प्लस 3, 3 के केस में भी 11 बड़ा है, 8 भी बड़ा है, ठीक है। ध्यान रखना कंपेयर कैसे करते हैं, इसको पकड़ो, इसका कंपेयर दोनों में कर लो और साइन लगा दो ग्रेटर देन या लेस देन का, ठीक है। फिर इसको देखो, इस वाले को देखो, फिर प्लस 3 को, इसको चेक कर लो फिर दोनों से, छोटा है तो छोटा साइन, बड़ा है तो बड़ा वाला। लेकिन मुझे पता है प्लस 3 छोटा है 11 से भी 8 से भी, तो अपने पास से यही बड़ा है। इसका मतलब दोनों ही केस में y बड़ा है, तो पहले वाले क्वेश्चन का जो आपका आंसर आ रहा है उसमें y बड़ा है आपका, तो पहले वाले का आंसर ये वाला हो गया आपका ऑप्शन, ठीक है। यानी कि इस पूरी इक्वेशन का जो आंसर आपके पास आया है फाइनल निकल कर, वो ये हो गया x लेस देन y या y ग्रेटर देन x बोल सकते हो। इसको देखो, ये तो लीनियर इक्वेशन है, बड़े आसानी से सोल्व कर सकते हो। 2x प्लस 3y बराबर 14 दे के रखा है, 4x प्लस 2y। अब देखो जरा, ये 2x है और ये 4x है, मुझे कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि x और y में मेरी संख्या आए, तभी तो मैं उसमें से कंपेयर करके आंसर ला पाऊंगा। तो क्या करो, आप इसमें 2 का भाग लगा दो। जैसे ही मैं इस पूरी इक्वेशन में 2 का भाग लगाऊंगा, 2 का भाग, इसमें भी 2 का भाग, तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब यहाँ ले आओ ये पूरी की पूरी इक्वेशन उठाकर, क्या हो जाएगा, 2x प्लस कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना, क्या करते थे बचपन में हम लोग, माइनस लगाते थे, माइनस और माइनस कर दो, माइनस माइनस से ये दोनों कैंसिल, यहाँ हो जाएगा भाई 2y, कितना बचेगा, 2y इज इक्वल टू, यानी कि ये कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो यानी कि y की वैल्यू मेरे पास कितनी बच गई, y की वैल्यू मेरे पास आ गई है 3 आ गई है। अब क्या करना है,
तीन यहां पर कहीं पर भी पुट कर दो। तो y की वैल्यू मेरे पास भाई तीन आ गई है, ठीक है, तो तीन में यहां कर देता हूं पुट, तो कितना हो जाएगा यहां पर 2x प्लस 3y, यानी कि 2x प्लस कितना अपने पास है ये 3y, यानी कि y में यानी कि तीन के इंटू में कितना कर दूंगा तीन, y की संख्या कितनी आई है, y की वैल्यू तीन आई है तो तीन रख दूंगा, बराबर कितना दे के रखा है 14 दे के रखा है। क्या करूंगा यहाँ पर 2x प्लस तीन तिया कितना हो गया 9 हो गया, अब 9 उस साइड जाएगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा, यानी कि इसको जब मैं सॉल्व करूंगा दोनों को, तीन तिया 9 उस साइड जाएगा क्या हो जाएगा 14 माइनस 9 यानी कि 5, यानी कि 2x इज इक्वल टू कितना बचेगा मेरे पास में 5 बचेगा, मतलब x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/2 यानी कि 2.5 बचेगा मेरे पास में, ठीक है, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास में 2.5। अब तो आसानी से देख सकते हो कुछ भी नहीं बचा, y कितना है 3 है, x कितना है 2.5, मुझे पता है y बड़ा है किससे x से, यानी कि y बड़ा है किससे x से, या आप इसे ये बोल सकते हो x इज लेस देन y, y बड़ा है किससे x से, क्योंकि ऑप्शन ये दिए हुए हैं, तो यानी कि x लेस देन y यानी कि y बड़ा है, तो दूसरे वाले क्वेश्चन का भी आंसर यही निकलता है, ठीक है। चलो इन क्वेश्चंस को देखो जरा ध्यान से, अब दे के रखा x बराबर क्या दे के रखा है मुझे यहाँ पर 625 अंडर रूट में दे के रखा है, अब इसे क्या करूंगा मैं, x किसके बराबर हो जाएगा, ये किसका रूट होता है मुझे पता है भाई ये 25 का होता है, y कितना हो गया यहाँ पर मुझे y निकल कर यहाँ आ जाएगा ये 26 का होता है, बताओ 25 बड़ा क्या 26 बड़ा, 26 बड़ा है, 26 बड़ा है मतलब y बड़ा है, y बड़ा है यानी कि क्या हो जाएगा तीसरे वाले का आंसर भी यही आ गया है। तीन क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं, तीनों के आंसर क्या है वही आ गया लास्ट में, ठीक है, y बड़ा है। अब देखो जरा ध्यान से, x स्क्वायर दे के रखा है, x स्क्वायर का मतलब पावर 2 है, पावर 2 है इसका मतलब दो आंसर आने चाहिए मेरे पास में, तो x बराबर स्क्वायर दे के रखा है, तो जब बराबर में ये जाएगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट लगेगा, अंडर रूट 784 जो स्क्वायर है उस साइड जब वो जाएगा तो अंडर रूट लग जाएगा, और अंडर रूट x इज इक्वल टू यानी कि x इज इक्वल टू अंडर रूट कितना होगा ये हो जाएगा प्लस माइनस का 28। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, यहां बहुत बड़ी गलती करते हैं स्टूडेंट्स, अगर x का स्क्वायर दे के रखा है, x का स्क्वायर दे के रखा है तो स्क्वायर जो ऊपर पावर जो 2 दे के रखी है वो वहां जाकर अंडर रूट हो जाएगी वहां पर, ठीक है, अंडर रूट में बदलेगी, यानी कि अंडर रूट और अंडर रूट में किसी चीज का निकालूंगा तो क्या निकालूंगा प्लस माइनस 28 करके निकालूंगा मैं, ठीक है, प्लस माइनस कितना आ गया 28, ये ध्यान रखना। अगर पावर को ट्रांसफर कर रहे हो उस साइड लेकर जा रहे हो तो रूट हमेशा 2 लेकर आना। अब इस वाले को देखो जरा, क्या मैंने यहां पर पावर थी मेरे पास जिसको मैंने ट्रांसफर किया, नहीं किया, यहां तो पहले से ही मुझे दे के रखा है, तो सीधे सीधे y कितना आ जाएगा माइनस, ये होता है 31 का स्क्वायर होता है, तो माइनस का 31 हो जाएगा, माइनस साइन और यहां पर सीधे 31 लिख दो। अगर यहां पर y का स्क्वायर होता, अगर y का स्क्वायर होता और यहां पर सिर्फ अकेला अंडर रूट 961 होता तो प्लस माइनस 31 लिख देता मैं फिर यहां पर। अब चेक कर लो, अगर मैं ध्यान से चेक करूं तो मेरे पास दो आंसर है x के, मेरे पास दो आंसर है, एक है मुझ पे मेरे पास प्लस 28, एक है मेरे पास में माइनस का 28। y मुझे दे के रखा है सिर्फ और सिर्फ कितना माइनस का 31, जब प्लस का 28 इससे कंपेयर करूंगा तो x बड़ा हो गया है, x बड़ा है मेरा, और माइनस का 28 कंपेयर करूंगा तो x क्या हो जाएगा, अभी भी x क्या है बड़ा है, प्लस का 28 कंपेयर करूंगा तो x बड़ा है ही, उसके बाद माइनस का 28 करूंगा माइनस 31 से। मैंने आपको बताया है कि जितनी छोटी संख्या होती है माइनस में उतनी ही बड़ी होती है, यानी कि माइनस 28 बड़ा है किससे माइनस 31 से, x ग्रेटर देन y यानी कि चौथे वाले क्वेश्चन का आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। और देखो आगे, x स्क्वायर कितना दे के रखा है 600 676 दे के रखा है। अब आप फिर से देख लो, यहाँ पर x के ऊपर पावर कितनी है 2 है, यानी कितने आंसर आएंगे दो आंसर आएंगे, x इज इक्वल्स टू क्या मैं लिख सकता हूँ इसे 676 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, तो मेरे पास x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस 26, पावर 2 थी तो अपने पास आंसर भी 2 आएंगे। इसी तरह से यदि मैं y को देखूं तो y यहां पर सीधे सीधे कितना निकल जाएगा, अब पहले से ही अंडर रूट यदि है तो सीधे सीधे लिख दो यहां पर 20 लिख दो अकेला, अब कुछ नहीं करना यहां पर, x के मेरे पास 2 है, x के मेरे पास 2 आंसर आए, प्लस का मेरे पास 26 आया है और माइनस का मेरे पास में 26 आया है, ठीक है, और y के मेरे पास कितने आंसर हैं सिर्फ और सिर्फ एक है, वो भी कितना है 20 दे के रखा है। बताओ
प्लस 26 को कंपेयर करूंगा मैं 20 से, तो कौन बड़ा है? एक्स बड़ा है। माइनस 26 को कंपेयर करूंगा मैं किससे? इस वाले से, तो अब ये वाला बड़ा हो जाएगा, अब की बार वाई बड़ा हो जाएगा। मतलब एक बार तो एक्स बड़ा हो गया और एक बार वाई बड़ा हो गया। तो जब ऐसी कंडीशन आती है कि एक बार एक्स बड़ा हो गया एक बार वाई बड़ा हो गया, इसका मतलब रिलेशन किसी भी तरह का नहीं निकला, आपको आंसर लगाना पड़ेगा पांचवा। तो पांचवे, ये कौन से नंबर का क्वेश्चन था? हाँ पांचवे नंबर का था, तो पांचवे वाले का आंसर अपना क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई हो। इसी तरह से मैं अगली वीडियो में और भी टफ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाऊंगा, तब तक आप लोग इन सारी चीज़ों को अच्छे से नोट कर लो, ठीक है? थैंक यू।